आज जो है हमें पढ़ना क्या है, तो नंबर के बारे में पढ़ना है, जो नंबर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में नंबर से 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइस पहली बार अगर इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंचेगी और सबसे पहले आप मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो गाइज जो नंबर है, नंबर को बहुत सारे क्या बोलते हैं, शोधकर्ता ने नंबर को बहुत सारे रूप में दिए हैं, लेकिन नाउन के दो नंबर होते हैं मेरे हिसाब से, या बहुत सारे जो हैं टीचर उनके हिसाब से क्या होता है कि नाउन के दो नंबर होते हैं। नाउन के दो नंबर होते हैं, कौन कौन से भाई नंबर होते हैं? अब यहां बात आ गई कि कौन कौन से नंबर होते हैं। नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वचन, इस चीज को याद रखिएगा कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे वचन बोलते हैं। नाउन के दो नंबर होते हैं, अब कौन कौन से नंबर होते हैं? तो पहला होता है, क्या होता है पहला भाई? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ओके। और दूसरा मेरा क्या होता है? प्लुरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर, आ रही सिंगुलर नंबर और इसे हम बोलते हैं क्या? प्लुरल नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत यहां नहीं होगी। अब हम सिंगुलर नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में हम चलेंगे तो बेस्ट रहेगा, एक वचन। और दूसरा क्या होता है भाई? तो यहां बहुवचन लिख दे क्या? बहुवचन, एक वचन बोले, बहुवचन बोले। अब हम चलेंगे कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, सिंगुलर नंबर होता क्या है, पुल्लर नंबर होता क्या है, पुल्लर नंबर किसे कहेंगे, ये तो जानना हमें बाकी है अभी। तो हम चलेंगे ना पुल्लर नंबर की ओर, और पुल्लर नंबर तो देखेंगे ना कि पुल्लर नंबर होता क्या है। हाँ पहला क्या, ओ सॉरी इस पेन से आप लोगों को दिख नहीं रहा है, हाँ इस पेन से दिखेगा भाई कलर से। चलो हम सिंगुलर नंबर के डिफिनेशन जान देते हैं, सिंगुलर नंबर, ओके सिंगुलर नंबर, हाँ सिंगुलर नंबर क्या होता है इस चीज को जानेंगे। यानी सिंगुलर नंबर को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सिंगुलर नंबर डिनोटेड वन पर्सन और एनीथिंग, ऐसे लिख दें हम डिफिनेशन। चलो भाई डिफिनेशन लिख देते हैं, राइटिंग समझ में आ रही है, समझ में आ रही है राइटिंग क्या? सिंगुलर डिनोटेड ऑन पर्सन, यानी एक ही पर्सन, ऑन पर्सन और एनीथिंग, ओके कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहां? सिंगुलर डिनोटेड ऑन पर्सन और एनीथिंग, या आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही है या इससे साफ थोड़ा लिखूं मैं, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं एक वस्तु, एक वस्तु या प्राणी, या एक प्राणी लिखना, एक प्राणी का बोध उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? एकवचन कहते हैं, ओके। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या दे सकते हो, एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे सकते हो, जो एक हो, जैसे काऊ, काऊ यहाँ मेरा एक है, अगर हम इन केस काउज मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे काय हो जाएंगे, तो ये मेरा पुल्लर हो जाएगा, ठीक है। काऊ यहाँ मैं लिख दूँ मैन, तो एक मैन है, इस मिलाया तो बहुत सारे मैंस हो जाएंगे। कैट छोटा छोटा, फॉक्स, रैट, ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर है, जो एक ही प्राणी है, अगर जहां आप एस मिलाए वह क्या बन जाएगा भाई? पुल्लर बन जाएगा। तो यहां तक बोलो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम चलेंगे किस पे? पुलर नाउन पे। किस पे चलेंगे बेटा? पुलर नाउन क्या होता है? पुलर नंबर, अब सही है, अब राइटिंग सही दिख रही है भाई, ठीक है। पुलर नंबर इसको हम इंग्लिश में क्या दे सकते हैं भाई? चलो भाई पुलर नंबर, ठीक है, डिनोट
ठीक है, डिनोट एस मिला दो, डिनोट एस, ठीक है। मोर देन ऑन, मोर देन मतलब क्या होता है, एक से अधिक, ठीक है। मोर देन ऑन पर्सन और थिंग, और देन और थिंग्स, क्लियर है। जैसे इसके हिंदी में आप डिफिनेशन क्या दे सकते हो, हिंदी में डिफिनेशन क्या दे सकते हो इसका, कि पुल्लर नंबर एक या एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम क्या कह सकते हैं, पुल्लर नंबर कहते हैं। यहां लिख दो क्या कि एक से अधिक, इसमें एक से अधिक ही होता है, हाँ, प्राणियों का बोध हो उसे हम क्या कह सकते हैं, बहुवचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, ठीक है। पुल्लर नंबर क्या होता है कि पुल्लर नंबर डिनोटेड मोर देन ऑन पर्सन और थिंग, एक से अधिक प्राणियों का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ क्या दे सकते हो, मैंने अभी आपको बताया ना कि एग्जाम्पल में जैसे ही आप, मैंने इसमें डिफिनेशन में दिया था काऊ, काऊ में जैसे ही एस मिलाओगे तो यह क्या बन जाएगा, पुल्लर बन जाएगा, यानी कि बहुत सारे गाय हो सकती है। उसके बाद मैंने एक डिफिनेशन रखा था आप लोगों को क्या, मैन, मैन रखा था, इसमें आप एस मिला दोगे पुल्लर बन जाएगा। यानी अधिकांश जो होते हैं सिंगुलर उसमें आप अगर एस मिला देते हो तो पुलर्स बन जाते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। एस अधिकांश, अधिकांश जो होते हैं पुलर सिंगुलर उसमें अगर आप एस मिला देते हो तो वह क्या बन जाता है, पुलर बन जाता है। अब रूल पे हम चलेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंगुलर और पुलर को डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही मेरा मोस्ट है रूल नंबर वन। अब रूल वन से हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, पेन क्या हो गया, आज कलर लेना होगा। चलो भाई रूल हम लिखेंगे यहाँ वन। अब रूल आपको याद रखना होगा हमेशा, हमेशा अगर रूल याद रखोगे तो बेस्ट है, रूल याद नहीं रखोगे तो बेस्ट नहीं है भाई आपके लिए। हाँ, अब रूल नंबर एक यहाँ लिखो, अधिकांश सिंगुलर नाउन के अंत में, ठीक है, अंत में एस जोड़कर पुल्लर बना देते हैं, ठीक है, एस जोड़कर क्या बना देंगे, पुल्लर बनाएंगे, एस जोड़कर पुल्लर बनाए। जैसे के लिए आप फॉर एग्जांपल में मैं 10 या 5 देता हूं, आप देख लोगे यहाँ जैसे कि बॉय है तो इसको पुलर बनाना हो, सॉरी एक मिनट मैं यहाँ से रेजर ले लेता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे थोड़ा सा, अच्छा चलो बॉयज, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, बॉयज हो जाएगा, या इसको आप मान लो यहाँ सिंगुलर या मान लो इसको पुलर, ओके बॉयज। अगर आप यहाँ कैट लेते हो तो इसमें सिर्फ क्या जोड़ देना है, आपको एस जोड़ देना है, तो कैट्स मेरा हो जाएगा पुलर। आप रेड करते हो तो सिंगुलर है, पुलर करने के लिए आप रेड्स मिला दोगे, एस मिला दोगे, ठीक है, या आप यहाँ कुछ भी मिला देते हो, सिस्टर मिला दो, सिस्टर में सिर्फ एस आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टर यानी पुलर बन जाएगा, SISTER, सिस्टर। या कुछ भी आप रख दो, पेंसिल रख दो ना, या पेन रख दो, पेन को पेन से जोड़ दोगे तो क्या पुल्लर बना बन जाएगा। तो सिंगुलर से पुल्लर बनाने के रूल नंबर वन में याद रखना है कि अधिकांश सिंगुलर जो होते हैं जिसमें हम एस जोड़कर क्या कर सकते हैं, पुल्लर बना सकते हैं। तो रूल वन आपका क्लियर हुआ, अब रूल टू पे चलेंगे, रूल नंबर टू, रूल टू, रूल टू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बिल्कुल समझने योग्य बातें हैं कि सिंगुलर नाउन के अंत में सिंगुलर नाउन के अंत में इस चीज को देखिएगा, थोड़ा सा डॉगी मेरा भूख रहा है तो उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। सी एच, सी एच के अर्थ क्या होता है, सी एस एच होता है,
ना, सी एस एच होता है, एस एच से मेरा क्या होता है, श होता है ना, एस एस से क्या होता है, श होता है। अब डबल एच, डबल एस से भी होता है क्या मेरा, श, ठीक है, या आप एश, एस से भी मेरा स होता है। यरलो में के जितने भी स आएंगे इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद मेरा होता है एक्स, ठीक है, रहता हो, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ई एस जोड़कर पुलर बना देंगे, ई एस जोड़कर पुलर बनाएंगे। पुलर बनाएगी, इस चीज को याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा कि कभी भी आपके शुगला नाउन के अंत में सी एच हो, एस एच हो, एस एस हो, एस हो या एक्स हो, तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, तो ई एस जोड़कर क्या करेंगे, हम पुलर बनाएंगे। क्या जोड़ के बनाएंगे, तो ई एस जोड़कर हम क्या करेंगे, पुलर बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ दे सकते हो, क्या बताओ, एग्जाम्पल के लिए दिखा देगा, अंत में मेरा क्या आना चाहिए, सी एच आना चाहिए, एस एच आना चाहिए, एस एस आना चाहिए, एस आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। बताइए अब क्या क्या आप दे सकते हो। चलो मैं सबसे पहले, कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था इस चीज को याद है, बंच, बंच बंच याद है, तो पुलर बनाने की क्या करोगे, बी ई एन सी एच ई एस सिर्फ जोड़ दो, बंचेस, ठीक है। अब आप यहां ले सकते हो इंच, तो आई एन सी एच ई एस, इंचेस हो जाएगा। अब एस वाला हम देख लेते हैं, कोई डिस, डिस को डी आई एस एच ई एस जोड़ दो, बस, बी यू ई एस, बस जोड़ दो। अब एस वाला देख लेते हैं, सबसे पहले गैस, हर के घर में यूज होता है, तो जी ए एस ई एस, गैस जोड़ दो, क्लियर। टैक्स पे सभी करते हैं, तो क्या कर सकते हो, टैक्सेस ई एस जोड़ दो, ओके, क्लियर। बॉक्स आप क्या लिख सकते हो, बी ओ एक्स ई एस जोड़ दो। तो बोलो क्लियर कंसेप्ट हुआ कि सिंगुलर नाउन के अंत में एस एच, सी एच, एस एच, एस और एक्स हो, तो ई एस जोड़कर क्या करते हैं, हम पुलर बना देते हैं। जैसे के लिए मैंने रखा बंच, बंसेस, इंच, इंचेस, डिस, डिसेस, बस, बसेस, गैस, गैसेस, टैक्स, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्लियर। अब आगे हम नेक्स्ट चले, आगे नेक्स्ट चले, रूल नंबर थ्री पे, रूल नंबर थ्री पे चले हम लोग, जल्दी बताइए, छह सात है इसके रूल। चलिए रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री में क्या बोला है, रूल थ्री क्या बोला है, इस चीज को हम देखेंगे कि रूल थ्री में हमें क्या बोलना है कि सिंगुलर नाउन के अंत में, तो चलो मैं डायरेक्ट अब लिखता हूं, नाउन के अंत में, नाउन के अंत में, ठीक है, ठीक है, वाई रहता हो, ठीक है, वाई रहता हो, ठीक है, या वाई के पहले, या वाई के पहले, वाई के पहले कोई भवेल रहता हो, कोई भवेल रहता हो, ये चीज को याद रखिएगा बहुत अच्छे से, भवेल रहता हो, तो केवल क्या जोड़ के बनाएंगे पुल्लर, एस जोड़कर पुल्लर बना देंगे, जोड़कर पुलरल बना देंगे, एकदम सिंपल है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि जिस हिंदी क्रिया, सॉरी, सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहता हो, सिंगुलर नाउन के अंत में क्या रहता हो, वाई रहता हो, और वाई के पहले कोई भवेल रहता हो, वाई के पहले कोई क्या रहता हो, भवेल रहता हो, तो इस जोड़कर हम पुलर बना देंगे। जैसे के लिए आप क्या दे सकते हो, बताइए कि कौन ऐसा वर्ड्स है जो वाई के पहले भवेल आता हो, बता दे क्या। चलो सिंपल, बी ओ वाई, बॉय, देखिए यहाँ क्या है मेरा, भवेल है, और यहाँ अंत में क्या है, वाई है, तो क्या जोड़ के बना दोगे,
बी ओ वाई, सिर्फ यहाँ क्या जोड़ना है आपको, एस जोड़ देना है। क्लियर? चलिए टॉय, यहां भी वही है, टी ओ वाई एस, ट्वाइस हो सकता है। डे, डेज हो सकता है क्या, भवेल है ए मेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या दे सकते हो, की, क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा मेरा, क्लियर है। मॉन्की, डोंकी, ए भी हो जाएगा, मॉन्की MONKEY, मंकीज हो जाएगा। हॉलीडे, सभी लोग पसंद करते हैं हॉलीडे को, तो हॉलीडे में क्या हो सकता है, हॉली DAYS। बोलिए क्लियर हुआ आपको, अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन से आपने समझाया कि नाउन के अंत में वाई रहता हो और वाई के पहले कोई भी भवेल रहता हो उसके पहले एस जोड़कर हम पुलर बना देते हैं। जैसे के लिए बॉयज, बॉयज, टॉय, टॉयज, डे, डेज, की, कीज, मॉन्की, मॉन्कीज, हॉलीडे, हॉलीडेज। क्लियर? चलिए भाई आगे हम चलेंगे, आगे चलेंगे रूल नंबर फोर। अब रूल नंबर हमें फोर में चलना है। अब रूल नंबर फोर में देखेंगे क्या कौन सा चीज है हमें। रूल नंबर फोर में थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि ये चीज, दो चीज, रूल नंबर 1, 2, 3, 4 में जो इंपोर्टेंट हो वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ, नाउन के अंत में, ज्यादा मैं इसमें से नहीं पढ़ाऊंगा, नाउन के अंत में वाई रहता है, वाई के पहले, अब तो हमने भोवेल पढ़ा था, अब कॉन्सोनेंट रहता हो, कॉन्सोनेंट यही होता है ना, NANT, कॉन्सोनेंट रहता हो तो क्या करेंगे, वाई को हटाकर, वाई को हटाकर VES, ना सॉरी IES जोड़ते हैं, IES, वाई को हटाकर YES जोड़कर पोलर बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। अब हम देखेंगे भाई कि वाई के पहले कौन से वर्ड जो हैं वह कॉन्सोनेंट होंगे, जिसे हमें क्या जोड़ना है, वाई को हटाकर IES जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज को जाएंगे भाई, बेबी के बारे में देख ले क्या, BABY, बेबी, बेबी को क्या करेंगे, BAB, वाई को हमें हटा देना है, IES जोड़ देना है। बोलिए कोई दिक्कत, दिक्कत कोई नहीं। फ्लाई, FLIES, फ्लाइज, सिटी, CITIES, सिटीज हो गया। फैमिली हटा दो, FAMILY हटा देना है, IES जोड़ देना है। कंट्री, CON, CO U N, ठीक, TRY, कंट्री जोड़ दो, CONTRY हटा के IES। आर्मी, ARMIES, आर्मी। बोलिए ये सब मेरे क्या हो गए, ये सब क्या हो गए मेरे, पुल्लर हो गए, ये सब क्या हो गए मेरे, पुल्लर बन गए। ये मेरे क्या है, सिंगुलर है, यह सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये सभी क्या होंगे मेरे, प्लूरल हो जाएंगे। बोलिए अब कोई दिक्कत है क्या, रूल नंबर 5, 4 जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई अब एक और दो तीन है बस, उसके जो मेन मेन पार्ट्स हैं बस वही है, ठीक है। रूल नंबर 5 हम देखेंगे, रूल नंबर 5 जो है इसे देखेंगे हम लोग आराम से, रूल 5 मैं ज्यादा नहीं, 7 ही रूल लिखवा देता हूं, उतना बहुत है। हाँ, जब नाउन के अंत में, जब नाउन के अंत में, अंत में ठीक है, एफ या एफ ही हो, एफ या
एफ ही हो, ठीक है, चाहे एफ ही रहता हो, लिख लो रहता हो, एफ या एफ ही रहता हो, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, तो पुलर बनाने के लिए क्या करोगे, इसे तब रहता है, लिखो तब रहता है, तो पुलर बनाने के लिए, पुलर बनाने के लिए आप क्या करोगे भाई, ई एस जोड़ दोगे, ई एस जोड़कर पुलर बना देंगे, ठीक है, सिंपल है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत, एफ आई वी हो रहता हो, ठीक है, तो पुलर बनाने के लिए एफ आई यू को हटाकर क्या हम करेंगे, भी में बदलकर ई एस जोड़ देंगे, भी में बदलकर, या भी ई एस लिखो, या भी ई एस लिखो, भी ई एस जोड़कर पुलर बना देंगे, सिंपल रहेगा। हाँ, जब सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहता हो तो पुलर बनाने के लिए भी ई एस जोड़कर पुलर बना देंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, एकदम बिल्कुल आसान एग्जाम्पल। चलो, अब यहां लिखोगे लाइफ, लाइफ में क्या है, एफ ई है, एफ ई को हटा देना है हमें, क्या जोड़ देना है, भी ई एस जोड़ देना है, लिप्स, बोलिए क्लियर, वाइफ, तो डब्ल्यू आई एफ को हटा के भी ई एस जोड़ देना है। ओके, जैसे कि आप ले लो अब थीप, तो टी एच ई आई बी ई एस, थिप्स, बोलिए क्लियर, दिक्कत, नाइफ, क्या करोगे, के एन आई एफ ई को हटाकर क्या जोड़ना है, भी ई एस जोड़कर पुलर बना देना है। तो बोलिए सिंपल है, ये आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत आया आपको, यहाँ कोई दिक्कत आया नहीं, आना होना चाहिए, हाँ, एफ या एफ ई को हटाकर वी एस हम सिर्फ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, चलो रूल नंबर 6 पे चलेंगे हम, हाँ रूल 6, सॉरी इसी पेन में ले लिया, रूल 6 देखेंगे, रूल 6 में क्या बोल रहा है, इस चीज को जानेंगे, एकदम सिंपल ए भी है कि नाउन के अंत में, नाउन के अंत में, ठीक है, ओ रहता हो, ओके, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता हो, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट रहता हो, तो क्या जोड़ेंगे हम, ई एस जोड़ का पुलर बना देंगे, ई एस जोड़ का पुलर बना देंगे, ई एस जोड़ का पुलर बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता हो, अंत में क्या रहता हो, ओ रहता हो, तो हम बी एस जोड़कर पुलर बना देंगे, वो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो एच ई आर ओ, हीरो हो जाएगा क्या, एक हीरो, मैंगो, पोटैटो, ठीक है, टमाटो लिख लो, एकदम सिंपल है, ये सब याद होने वाली चीजें हैं, हीरो, मैंगो, पोटैटो, टमाटो। अब आपको क्या करना है कि ओ है, अब आपको क्या जोड़ना है, तो ई ए जोड़ का पुलर बना देता है, तो एच ई आर ओ ई एस, हीरोज, एम ओ एन जी ओ ई एस, मैंगोज, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पेटोज, टोमेटो, टी ए एम ए टी ओ ई एस, टोमेटोज, बोलिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए रूल नंबर 7 आखिरी है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, रूल 7 क्या कहता है, इस चीज को देखेंगे, ये रूल 7 में क्या है कि अब तो आपने कॉन्सोनेंट पढ़ा, अब इसी में आपको अब दे दिया जाए भोवेल, तो भोवेल को कैसे क्लियर करोगे बेटा, हाँ, तो
नाउन के अंत में, वो रहता हो तो क्या करोगे? वो के पहले कोई क्या हो? भवेल हो, कोई भवेल हो तो क्या जोड़ के बना दोगे? पुलर, एस जोड़ कर पुलर बना दोगे, जोड़ कर पुलरल बना देंगे। ओके, एस जोड़ कर क्या करना है हमें? पुलर बना देना है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हो बताओ? एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हो? भवेल रेड टू द रेडियो, रेडियो दे दो, आर ए डी आई ओ रेडियो। बम्बू, बम्बू। कुकू लिख लो, सी यू सी के डबल। चलो अब रेडियो है तो भाई रेडियो रखेंगे। अब हटाने का तो कोई बोला नहीं है इसमें कि हम कुछ हटाएंगे, सिर्फ एस जोड़ देना है। बेम्बोस, कुकूस। बोले क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत इसमें है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से। नहीं है? हाँ चलिए भाई, नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास जो है आप लोगों से मैं मिलूंगा, आज के लिए बस।